मीडिया जिस किस्म के आर्टिकल्स आ रहे हैं वो ऐसे इंटरनेशनल मीडिया में है जहाँ आप प्लांटिंग नहीं कर सकते। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर आप कर सकते हैं मगर वहाँ नहीं कर सकते। आप मगर गार्डियन और न्यूयॉर्क टाइम्स और इस किस्म के जो अखबार हैं वहाँ आप ये लॉबिंग फर्म्स जो है ना वो ज़्यादा कामयाब नहीं होती, उनके अपने रिपोर्टर्स होते हैं और रिपोर्टिंग पाकिस्तान से हो रही है उनके फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स की, तो ऐसी बात नहीं है पहली बात। दूसरी बात ये है कि और ये इसमें कोई वो फॉरेन वो जो $25,000 दे रहे हैं उसका कोई रोल नहीं है, रोल नहीं है। अच्छा, मगर दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आर्टिकल्स आ रहे हैं ये इमरान खान के हक में नहीं है, ये सिर्फ इजहार कर रहे हैं उस शौक का कि खान साहब के ऊपर टेररिज्म का चार्ज कैसे लग गया। बाकी बातें तो समझ आती हैं कि बड़े पॉपुलर हैं, वो सारी बात मानते हैं कि बड़े पॉपुलर हैं और इस वक्त आर्मी के साथ टक्कर ली हुई है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है और सारा मामला चल रहा है। मगर जो चीज़ उनको सरप्राइज कर रही है जिसकी वजह से ये खबर बन रही है, बाय द वे खबर इसलिए बन रही है, गिल के ऊपर खबर नहीं बनी इंटरनेशनली, खबर बनी है कि इमरान खान के ऊपर टेररिज्म का चार्ज लगा है। अब मुझे भी किसी एक इंटरनेशनल आउटलेट ने इंटरव्यू किया इसके ऊपर और यही सवाल उनके लिए अहम था कि ये कैसे हो गया इमरान खान जैसे इतने बड़े पॉपुलर लीडर के ऊपर टेररिज्म का चार्ज लगा दिए। ये तो लगता है ऐसे है कि बस कुछ बनाने की बात कि उसको धरना है ये तो जो मर्जी लगा दो, जैसे कि गाय चोरी हो गई जी वो पकड़ के ले गई जी FIR काट गई, मगर सर सिचुएशन ऐसी है कि वो जो चार्ज लगा है वो लगता तो है। अब उसके भी दो राय हैं, इमरान खान के वकील कहेंगे जी चार्ज नहीं लगता और प्रोसिक्यूशन कहेगी जी कि एंटी टेररिस्ट लॉ जो है उसके अंदर ये शिक है जिसमें ये लिखा है कि अगर आप किसी को फोर्स करें या थ्रेटन करें या कोअर्स करें जुडिशरी को या आर्म फोर्सेस को तो यू आर लायबल फॉर दैट्स दैट, आप खौफ फैला रहे हैं, आप लोगों को डरा रहे हैं और ये आप पब्लिक फिगर नहीं कर सकते। तो चार्ज तो लगता है मगर बाहर जो आर्टिकल्स छप रहे हैं उनको इस बात का पता नहीं है, उनके हाल में वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं होती क्योंकि पहली बात तो यह वहाँ कोई तौहीन करता ही नहीं है, ऐसी चीज़ें होती नहीं, वो सोचते ही नहीं है कि इस किस्म की चीज़ भी हो सकती Contempt है of court. हाँ, वहाँ तो टेररिज्म का मतलब यह है कि बम फाड़ा, ये किया, वो किया एंड या तो इसलिए मैं समझता हूँ उनको इंटरेस्ट इस बात में था। तो जब उनको समझाया जाता है कि खान साहब ने इस किस्म की हरकतें भी की हैं तो फिर वो थोड़े बहुत समझ जाते हैं, कहते हैं अच्छा 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 ठीक है। ये क्या इमरान खान साहब जाके वहाँ माफ़ी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, और जिस किस्म के रिमार्क्स दिए हैं अदालत ने वो तो इसको बड़ी संजीदा तरीके से देख रहे हैं। कैसे अदालत उनको सजा नहीं देगी ये अब देखना है हमने, क्योंकि अगर अदालत के सुप्रीम ये तो हाई कोर्ट है ना, अभी आगे सुप्रीम कोर्ट भी है, तो यहाँ तो अगर वो कुछ सजा देते हैं इनको तो ये तो उड़ जाएंगे, और अगर नहीं देते तो हम जैसे लोग तो बहुत हैं जो कहेंगे लो जी तलाल चौधरी ने छुट्टी कराती, दानियाल अजीज की छुट्टी कराती, निहाल हाशमी की छुट्टी कराती, उन्होंने जो छुट्टी कराती तो इत्थे खान साहब ने फिर लाडला करके तो मचा लिया गया है, क्योंकि ये तो सबसे बड़े पब्लिक फिगर हैं और इन्होंने तो बड़ी वाज़े तौर पे एक जज की तोहीन की है। तो मतलब है कि ये इट्स गोइंग टू बी अ ट्रिकी इशू फॉर द जुडिशरी। पहले ही आपको पता है जुडिशरी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो बायस्ड है, और बायस कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी लोग भूल चुके हैं कि उस दिन जब खान साहब को ऑर्डर हुआ अदालत की तरफ से कि आप डी चौक नहीं जाएंगे, आप अपने सपोर्टर्स को नहीं जाएंगे, आप फलानी ग्राउंड में जाके करेंगे, 25 की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो खान साहब ने सुनते भी कह दिया कि चलो वहाँ पहुँचे, अनसुना कर दी, तो ये पहुँच गए वहाँ इनके लोग, और तो उसके ऊपर फिर पिटीशन आई जिसके अंदर चीफ जस्टिस साहब उस बेंच में बैठे थे, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इमरान खान साहब को इतला ना पहुंची हो टाइम पे कि हमने ये फैसला किया है। फिर लोगों ने कहा नहीं सर, वो तो सारा वक्त टीवी पे था, उनको पता था, तो फिर वहाँ से भी इधर उधर नहीं हो सकी बेंच, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा चलें फिर ऐसे है कि हम एक रिपोर्ट पूछते हैं IG को कि जी आप रिपोर्ट बना के दें, उस पर ISI को भी डालें और उन्हें कहें कि हमें बताएं हुआ क्या था वहाँ। तो फिर वहाँ की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी बड़ा वाज़े तौर पे लिखा है कि खान साहब को पता था और वहाँ इनके लोग आए और वहाँ ये हुआ और ये हुआ और ये हुआ, तो उन्होंने तो बड़ा क्लियरली इस रिपोर्ट में सारी जिम्मेदारी खान साहब पे डाल दी हुई है और PTI पे डाल दी। अब वो रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को मिल तो गई है मगर फरवा वो तो हुआ कुछ नहीं अभी तक, वो चुप करके बैठे हुए हैं। तो हम जैसे लोग अगेन ये पूछ रहे हैं कि वो रिपोर्ट के ऊपर फैसला कब आएगा, वो भी इट्स अ क्वेश्चन ऑफ तौहीन। फिर अब देखिए इसमें फ़र्क क्या है,
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो दो किस्म का है, एक आप यू ब्रिंग द इदारा इनटू डिसरिप्यूट, दूसरा ये कि आप उसके ऑर्डर नहीं फॉलो करते। ये जो केस था इसमें उन्होंने ऑर्डर फॉलो नहीं किया था, ये बेइज्जती नहीं की थी, कुछ उनके खिलाफ इल्ज़ाम नहीं लगा था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या जजेस के ऊपर, खान साहब ने उनके ऑर्डर को नहीं फॉलो किया, तो इसकी और नौइयत है। मगर ये और भी ज़्यादा सीरियस है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर आपको करे कि आप ये करें या ये ना करें और आप उसको फॉलो ना करें तो बड़ा सीरियस बन जाता है इशू। इसके कंपैरिजन ये है कि जी आपने हमारे खिलाफ ये बात की या आपने अच्छी बात नहीं की या आपने हमारी बेइज्जती कर दी, दैट्स डिफरेंट। ये है ऑर्डर फॉलो नहीं करना। सबसे बड़ा केस ऑर्डर फॉलो करने का किसका है? यूसुफ रजा गिलानी वाला। एग्जैक्टली, उन्होंने उनको ऑर्डर दिया गया था कि आप खत लिखें स्विस अथॉरिटीज को, एग्जैक्टली, कि जी वहाँ के जरदारी साहब के जो असासे हैं वहाँ उसके बारे में हमें बताएं क्या है क्या नहीं है क्या नहीं है। और गिलानी साहब ने इनकार कर दिया था कि मैं नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि जी प्रेसिडेंट को अस्तस्ना हासिल है। उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट लिया। चीफ जस्टिस सुशोभ इफ्तखार चौधरी साहब थे, उन्होंने कहा नो, हमारा ऑर्डर था, आपने ऑर्डर नहीं फॉलो किया, उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से उतार दिया। अब सोचिए, ऑर्डर ना मानने और अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपको ऑर्डर करे और आप ना करें तो उसके बहुत ही संगीन किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो यहाँ सूरत हाल ये है कि खान साहब के ऊपर एक एक केस चल रहा है जिसके ऊपर उन्होंने ऑर्डर फॉलो नहीं किए, एक केस अब शुरू हो रहा है जिसके ऊपर उन्होंने तौहीन कर दी दूसरी किस्म की, ठीक, और तीसरे भी एक चीज चल रही है फरवा, वो इलेक्शन कमीशन के अंदर उन्होंने भी इनको धरा हुआ है कि आपने हमारी कंटेम्प्ट की है या आपने आए नहीं जब आपको बुलाया था, वहां भी उनके खिलाफ कंटेम्प्ट का एक केस चल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि काफी बड़ा एक घेराव होने जा रहा है। खान साहब काफी अरसे से हम फोकस करते रहे हैं कि जी वो आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं, आर्मी चीफ के खिलाफ बोल रहे हैं, और बगावत वो भी इशू अब बन चुका है गिल साहब के बाद। यहाँ तो उन्होंने दो तीन जगह पे सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट के अंदर ऑर्डर भी फॉलो किए और फिर बेइज्जती भी की है जजेस की और धमकियाँ दी हैं। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट बिकमिंग अ वेरी सीरियस मैटर, एंड मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट विल कम अंडर एनॉर्मस पब्लिक प्रेशर। एक तरफ से उनके इमरान खान के सपोर्टर्स होंगे जो कहेंगे कुछ भी नहीं किया, सॉरी चलो छोड़ो परे जी छोड़ो परे गली कोई नहीं। दूसरी तरफ एक और पब्लिक ओपिनियन भी है कि क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं सुप्रीम कोर्ट के। एक स्टैंडर्ड ये है मिला नून लीग के लोगों के लिए और एक स्टैंडर्ड ये है इमरान खान के लिए। तो व्हाट्स गोइंग ऑन? तो मैं समझता हूँ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। सुप्रीम कोर्ट विल बी अंडर द स्क्रूटनी और इस वक्त आप समझें कि सुप्रीम कोर्ट इज ऑन ट्रायल। तो YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।